यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। इधर कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी है तो उधर समाजवादी पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार यूपी के दो लड़के साथ आ पाएंगे या फिर अलग अलग मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव, अकेले लड़ेगी विधानसभा उपचुनाव। 7 सीटों पर तय हो गए उम्मीदवार। सपा कांग्रेस गठबंधन में दरार। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैदान में साथ उतरने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन उपचुनाव के मैदान में इन दो लड़कों का दिल शायद नहीं मिल पा रहा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों के जरिए इसका शंखनाद जरूर कर दिया है। गठबंधन को लेकर दोनों तरफ बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर दिए हैं। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को तैयारियों में जुटने के लिए कहा गया है। वहीं मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद का नाम सामने आया है। कटहरी सीट से छाया वर्मा, तो कुंदरकी सीट से पूर्व विधायक रिजवान को तैयारी करने के लिए कहा गया है। वहीं खैर सीट से ओमपाल सिंह और मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कादिर राणा का नाम सामने आ रहा है। वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाए जाने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव की ओर से भले ही दबाव की राजनीति की जा रही हो, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी बात चल रही है। कांग्रेस यूपी में 10 में से 5 सीटों की मांग कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि मिलकर लड़ें, साथ मिलकर लड़ेंगे और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तक हो नहीं पा रहा, क्या वजह? अब ये अभी आने दीजिए, डेट आई नहीं है, डेट आने दीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व हमने 5 सीटों को दिया है प्रस्ताव, उसमें मजमा भी शामिल है और निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी गठबंधन न होने की सूरत में सभी सीटों पर अंदरूनी तैयारी में लग गई है। आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा कि लोकसभा के साथ ही उपचुनाव में साथ आएंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।